अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कबीर, कैसे हो अब्दुल कबीर? आगे कहीं घूमने के लिए जाना है या वापस जाना है अबूजी के पास? वापस जाना है। अच्छा, इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं जमान पार्क के पास और यही वो रास्ता है, सही है, जो आजकल हर वक्त न्यूज में दिखाया जाता है, देख रहे हैं आप लोग, यही वो रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में हैं? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हमने अपना वापसी का सफर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वैसे तो हमने सोचा था कि तकरीबन 10 दिन का ये रोड ट्रिप होना चाहिए, लेकिन हम इसको 7-8 दिन के अंदर रैप कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमें अब यूएस जाने की तैयारी करनी है। जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना, तो बस फिर उसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है, और एक दो और वीआईपी सेटअप है वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं, सफर स्टार्ट करते हैं, आ जाए। आज का कुछ नहीं पता, हो सकता है हम कराची पहुंच जाए, हो सकता है रास्ते में कहीं स्टे करें, तो जो भी होता है सीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आ जाए। आपस की बात है बेगम, बारिश हमें यहाँ पे भी नहीं मिली, लाहौर में भी मुझे लगता है कराची पहुंच के ही मिलेगी बारिश हमको। यार वैसे इस दफा सोचा ये था कि कम से कम एक दो दिन लाहौर को एक्सप्लोर करेंगे, लाहौर का फूड भी एक्सप्लोर करेंगे, जगहें भी देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो मेरे ऊपर ड्यू रहा, सही है ना। नेक्स्ट टाइम जब दोस्तों के साथ आएंगे ना इंशाल्लाह वो काम फिर करेंगे। अब्दुल कबीर आपको क्या खाना है? सैंडविच खाना है भाई अब्दुल कबीर को, और सर्विस एरिया आगे इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएगा। अब्दुल कबीर आपका सैंडविच लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ, ये रहे भाईजान सैंडविच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यार दो सैंडविच दे दीजिएगा चिकन के। ये देखें भाई, ये दो सैंडविच पता है कितने के हैं? 700 रुपए के। मुझे लगता है देसी मुर्गी का गोश्त डाला है इसके अंदर। अब्दुल कबीर कैसा है सैंडविच? अच्छा है, गुड गुड। अहमद क्या खा रहे हो? सैंडविच। सीन चेंज हो गया भाई, कराची नहीं जा रहे। पहले मैंने ये सोचा था कि टापो टाप गाड़ी खींचते हैं, कराची चलते हैं, लेकिन अब हम लोग रहीम यार खान में स्टे करने वाले हैं, ठीक है। एक दोस्त से रब्ता हुआ, किसी जमाने में हम लोग साथ काम किया करते थे, बड़ी मेमोरीज हैं, बड़ा तफरी वाला सीन था सारा। खैर उससे मुलाकात भी हो जाएगी और वो हमें रहीम यार खान भी थोड़ा सा घुमा फिरा देगा, तो चलते हैं भाई आप लोगों को लेकर रहीम यार खान। भूख लग गई भाई, भूख लग गई। सुबह लाहौर से निकलते निकलते मैंने आड़ू ले लिए थे, पीस ना, ठंडे हो गए अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुल्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुल्तान क्रॉस कर लिया हम लोगों ने। दोपहर के 2:15 बज रहे हैं, उज शरीफ पे हम लोग अभी पहुंचे हैं और यहाँ के सर्विस एरिया पे रुकते हैं। बच्चों की सर्विस भी हो जाएगी, नमाज भी पढ़ लेंगे, ठीक है, हल्का फुल्का कुछ खापा शापा भी कर लेंगे। अब्दुल कबीर आपका सर्विस एरिया गया, जाओ। अभी भी 2 घंटे बाकी हैं रहीम यार खान पहुंचने में। मोहम्मद अहमद उठ गए आप? उठ गया भाई, अभी मोटर पे कोई इतना सन्नाटा था। एक तो मैं अभी अच्छी खासी लंबी ड्राइव करके आया हूँ, ठीक है, और कभी कभी मोटर पे इतना सन्नाटा होता है, ना आगे कोई गाड़ी होती है ना पीछे कोई गाड़ी होती है, आप अकेले ही चल रहे होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में नींद आने लगती है, टाइट नींद आ रही थी अभी मुझे। कौन है मोहम्मद अहमद? नन्ना बेबी। ये कहाँ है नन्ना बेबी? मुझे तो नहीं नजर आ रहा नन्ना बेबी। अच्छा अच्छा, ये नन्ना बेबी इसको बोल रहा है, ये जो बेबी के कार्टून बने हुए ना, टॉयज, बेबी टॉयज। ऐसी कोई टाइट वाली लू चल रही है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मोहम्मद अहमद चिप्स मजे के हैं? हाँ, ये देखे भाई कब्जा कर लिया इसने ना चिप्स के ऊपर। खैर भैया को भी खिला रहे हैं, अच्छा बच्चा है। कहाँ जा रहे हैं पापा के? दोस्त के घर। फाइनली शाम के 4:15 हो रहे हैं, रहीम यार खान पहुंच गए हम लोग। भाई रहीम यार खान के अंदर एंट्री तो बड़ी जबरदस्त है, हर तरफ हरियाली है, खेत हैं, ग्रीनरी है, रोड भी बड़ा जबरदस्त है। आगे जाके देखते हैं शहर में क्या सीन है। मैंने अपने दोस्त से ही सुना है हमेशा कि भाई रहीम यार खान बड़ा वेल डेवलप्ड सिटी है, आज पता चलेगा। भाई आप लोगों को बताता चलूं कि बकरा ईद के टाइम पे जितना जानवर कराची की मंडियों में आता है ना बिकने के लिए, उसमें से अच्छी खासी तादाद जानवरों की यहाँ से भी आती है रहीम यार खान से। अच्छा यार, खूबसूरत शहर बना हुआ है माशाल्लाह। भाई फाइनली पहुंच गए अपने दोस्त के घर पे, आप लोगों को मिलवाते हैं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं? ये है हमारे कामरान भाई, सही है, बाकी हम आपको बाद में बताते हैं। अब्दुल कबीर आते के साथ ही अपने काम पे लग गए। अब्दुल कबीर क्या है? अच्छा, ये फिश का छोटा सा घर बना हुआ है, देखो अच्छी है फिश, प्यारी है, आपको पसंद आई है ये? ये ले जाए एक्वेरियम उठा के। अच्छा दे दे भाई, पैक कर दे, थैली में डाल दे भाई। अब सीन ये है कि घर वालों को मैंने छोड़ दिया है कामरान भाई के घर पे, और भाईजान सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं डेजर्ट। डेजर्ट जा रहे हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि रहीम यार खान में यहाँ पे डेजर्ट भी है, तो फिर डेजर्ट सफारी ना हो ऐसा हो सकता है, लेके चलते हैं आपको जरा।
भाई डेजर्ट के लिए तो जो है ना हम राइट टर्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पैलेस बना हुआ है ये जिसका गेट आप लोग देख रहे हैं, सही है ना, फुल सीन है यहाँ पे, हिरन वगैरह शायद नजर आए अभी भाई। ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरी बाउंड्री खींची है, कामरान भाई बता रहे हैं, और इसके अंदर क्या हिरन छोड़े हुए हैं, हिरन। वाह यार, नजर आते हैं कभी कभी यहाँ से? अभी शायद नजर भी आए बस। अच्छा जबरदस्त भाई, ये जो है ना एक्चुअली अरब लोगों का जो है ना सेटअप है सारा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना जंगल की बाउंड्री बनाई हुई है पूरी, इसके अंदर हिरन होते हैं भाई। यहाँ से भाई डेजर्ट सफारी के पैसे लूंगा मैं, ठीक है ना, हाँ फ्री में नहीं हो रही है। ये भाई जो दुबई में की थी ना डेजर्ट सफारी, वही याद आ गई मुझे ना बिल्कुल। ओए होए होए क्या मजे हैं भाई, यानी आगे ना बेहतरीन बेहतरीन। ये इसका पहला मजा मुझे आया कि गाड़ी सही है। हाँ हाँ ये भाईजान, ये गाड़ी के यही तो मजे हैं। ओ हो 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 जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह यार मजा आ गया यार यहाँ के डेजर्ट में तो। ओए होए 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 बेहतरीन बेहतरीन। बोलते हैं भाजन ड्यून बैशिंग, हाँ ड्यून बैशिंग हमने की थी और ये हम करने जा रहे हैं यहाँ पे ड्यून बैशिंग। जबरदस्त, और यहाँ पे कोई करके भी गया हुआ, देखें निशान है, मतलब शौकीन लोग हैं यहाँ पे अच्छे खासे। हाँ बहुत जबरदस्त भाई, आपस की बात है, यहाँ तो मजा ही आ गया है, बिल्कुल वही दुबई वाली फीलिंग है, ठीक है, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यार यहाँ पे डेजर्ट सफारी। कल के मुझे तो यहाँ से निकलने का दिल भी नहीं चाह रहा है। ये देखें भाई निकल गए हम लोग डेजर्ट में बाहर, क्या बात है यार, पाकिस्तान में क्या नहीं है यार, बहुत ही जबरदस्त किस्म का डेजर्ट है यार। नहीं नहीं दुबई से कम नहीं है भाईजान, बिल्कुल वैसे ही डेजर्ट है माशाल्लाह भाई। अब जब भी रोड ट्रिप पे जाएंगे ना रहीम या खान में डेजर्ट सफारी करते हुए जाएंगे। यहाँ पे तो जो है ना वाइब्स ही सारी दुबई की है, ठीक है। अब आप देखें ये रोड, देखें आप यहाँ, अब देखें यहाँ जो दरख्त लगाए हुए ना सारे, ये सारे खजूर के दरख्त लगाए हुए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में दुबई में ही जो है ना गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत जबरदस्त। और ये रास्ता कहाँ जाता है, इनके एयरपोर्ट के पास जाता है, सामने एयरपोर्ट है। जबरदस्त यार, मिनी दुबई में आ गए भाई, मिनी दुबई है भाई। डेजर्ट सफारी करने के बाद जो है ना हम आ गए कामरान भाई के घर पे। अब खाना खाने का क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे हम लोग? खानपुर की चांपे खाने, खानपुर की, अच्छा भाई फेमस है यहाँ पे खानपुर की चांपे मटन चॉम्स, वो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले जो है ना अब्दुल कभी फिश को खाना देगा और मैं आपको उठाता हूँ, ठीक है। ये उठा लिए भाई, डाल दो इसके अंदर दाना, वेरी गुड। अब देखो ये दाना डाल दिया ना, अब ये सारी खाना खाएंगी, ठीक है, और हम भी खाना खाने चलते हैं, चलो। भूख लगी थी ना, भूखी थी ना बेचारी, है ना भाई। रात के बज रहे हैं 7:45 और अब हम लोग निकल रहे हैं खानपुर के लिए, जहाँ पे मटन चॉप्स खानी है। अच्छी खासी लंबी ड्राइव करके पहुंचे हैं अभी हम लोग खानपुर में, और खानपुर में कहाँ खाना खाएंगे ये देखें, ये यहाँ का जो है ना कोई मशहूर सीन है, अभी जाके देखते हैं क्या सीन है, सही है। सिटी होटल सीन चेक करें ना यहाँ पे आप लोग, ओए होए बकरे का गोश्त बन रहा है भाईजान, मटन का सीन है आज, मटन का फुल तबाही मची हुई है भाई यहाँ पे तो। ओ हो वाह यार, यहाँ पे तो ग्रीनरी है फुल, आप शा रहे हैं। हाँ यार ये अलग अलग छोटे छोटे कमरे बनाए हुए इन्होंने, मतलब हॉल बने हुए, फैमिली हॉल, देख रहे हैं आप लोग, चप्पलों से अंदाजा लगाएं कि कितना रश होगा अंदर, माशाल्लाह। देखिए कुदरत के नज़ारे कैसे कैसे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कछुआ है, मछलियाँ हैं। अच्छा पहले बताओ तो हम कुमराट जाते ही नहीं, यहीं पे आ जाते हैं भाई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद देखें ये सेटअप है, यहाँ पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर इन्होंने रूम्स को सेटअप किया हुआ है इस तरह, और यहाँ पे एसी वेसी लगा हुआ है, गर्मी के अंदर बड़ा बेहतरीन माहौल है। तो स्टार्ट में जो है ना सैलड वैलड आ गई है, सही है, अब असल सेटअप आना बाकी। क्या मटन चॉप से और पुलाव है, पुलाव है भाई, यहाँ की मशहूर मटर चॉम्स आ गई भाई, ये सीन है सारा। अब इसको ट्राई करना है हमने, गर्मा गर्म है भाई। कामरान भाई ने बोला बिस्मिल्लाह करें इससे, आहा फुल गर्म गर्म है, लेकिन जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि इसको गर्म गर्म खाने का मजा है, बिस्मिल्लाह और खाना पी। इतनी सॉफ्ट है कि क्या बताऊँ, जबरदस्त। और ये आ गया भाई साथ में जो है ना इनका अफगानी पुलाव, अब मज़ा पता है कब आना, ये देखें, ये आप बकरे की बोटी को जो है ना इसके साथ मिक्स करें चावल के साथ, आए हाय हाय हाय, और ये साफ बोटी, और ये आ गया चावल, और ये आवाज़ नहीं आ रही, कमाल, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। और ये आ गया भाई शाही दाल, ये ज़रा देखते हैं, ये आ गया भाई शाही दाल के साथ निवाला, ये दाल जो है ना
कम्प्लीटली डिफरेंट है भाई, ऐसी दाल हमने नहीं खाई बिल्कुल। ये चने की दाल होती है, ग्राइंड किया हुआ होता है इसका, जबरदस्त है, बेहतरीन है, यकीन करें मजा आ गया। अगर आप लोग खानपुर आए तो यहाँ पे ये सिटी होटल है, इसका आपने जो है ना ये बकरे के चाम खाने, ठीक है, और साथ में अफगानी पुलाव, ना मजा आया ना तो पैसे वापस, सही है, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त था। उस वक्त बच्चे तंग कर रहे थे ना, इसीलिए मैं अपने असली एक्सप्रेशन में आपको बता नहीं पाया, लेकिन अप टू द मार्क एक्सपीरियंस। कामरान भाई VIP हो गया आज का सेटअप, थैंक यू सो मच, वेलकम भाई। रात का जो है ना इस वक्त 1 बज गया है, ठीक है, और वाइफ और बच्चे तो ऑलरेडी सो गए थे, मैं जो है ना कामरान भाई के साथ चला गया, तो सुबह के नाश्ते वाश्ते के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन अब हालत ऐसी टाइट हो रही है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी बल्कि मैं व्लॉग एडिट कर रहा था ना, 4-5 नींद के झटके लगे हुए, और मुझे अभी याद आया कि भाई व्लॉग तो एडिट करना है, अभी वाला व्लॉग हमने एंड भी नहीं किया। तो खैर होपफुली आप लोगों ने रहीम या खान का सीन इन्जॉय किया होगा, यकीन करें, यकीन माने कि रहीम या खान देख के जो है ना दिल खुश हो गया। और आज जो खाना खाया, अच्छा चले खाना तो अच्छा था ही था, ठीक है, वहाँ का जितना भी स्टाफ था ना वो इतना मतलब सर्विसेज के अंदर इतना आगे था, इतनी कर्टेसी, इतने अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे कि दिल ही जीत लिया भाई, सही है ना, रहीम या खान और खानपुर दोनों चीज़ों ने। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, कल सुबह सुबह हमने निकलना है कराची के लिए, आप लोगों को अपने साथ कराची लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।